जिला सोलन में लंपी वायरस जानलेवा होने लगा है। पशुओं में फैलने वाले इस संक्रमण से जिला सोलन में अभी तक 54 गौवंश की मौत हो चुकी है। वहीं 2800 से अधिक मामले संक्रमित पाए गए हैं। सर्वाधिक मामले धर्मपुर क्षेत्र में हैं, उसके बाद नालागढ़ एवं सोलन के नज़दीक धरेड़ पंचायत में भी यह संक्रमण अपने पाँव पसार चुका है। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक भरत भूषण गुप्ता ने बताया कि मक्खी मच्छरों से अपने पशुओं को बचाएं व गौशालियों में चूने इत्यादि से लिपाई करें, साथ ही पशुओं में चिडन ना पड़ने दें, तभी इस संक्रमण से बचा जा सकता है। इस बीमारी में करीब 20% मृत्यु दर है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए पशुपालन विभाग के उपनिदेशक भरत भूषण गुप्ता ने बताया कि जिला में 2800 के करीब मामले लंपी वायरस के पाए गए हैं। इसमें सभी गौवंश हैं, भैंसों में अभी तक यह बीमारी सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि 619 गौवंश इस बीमारी से ठीक हो गए हैं, 2159 पशु अभी भी बीमारी से संक्रमित हैं। उन्होंने बताया कि गौशालियों की साफ सफाई व मक्खी मच्छर से पशुओं को बचाएं तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। अभी तक जिस तरह के लक्षण पशुओं में दिख रहे हैं उसी का इलाज किया जा रहा है। अभी तक इस वायरस की कोई लाभकारी टीका नहीं आया है। ये लंपी स्किन डिजीज़ LSD जिसको कहते हैं, ये एक गाय और भैंसों की बीमारी है जो कि एक वायरस के द्वारा होती है। और इसमें मुख्य लक्षण जो है वो पशु को तेज़ बुखार होता है 104 से लेकर 107 डिग्री तक, और पशु जो है वो खाना पीना बंद कर देता है, भूख कम हो जाती है, दूध प्रोडक्शन गिर जाती है, आँखों से पानी आता है और 2 या 3 दिन के बाद उनकी चमड़ी पर गांठें सी बन जाती हैं, जिसकी वजह से इसका नाम लंपी स्किन लंप। जहाँ ये जिन पशुओं में हो रही है हम ये सलाह देते हैं कि उसको तुरंत आइसोलेट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, जो स्वस्थ पशु हैं उस घर में उनसे अलग कर दिया जाए ताकि उनमें ये इन्फेक्शन ना हो। और जो पशु गंभीर रूप से बीमार हैं, जो खाना नहीं खा रहे हैं और बुखार नहीं उतर रहा है, वो हमारे कोई किसी भी संस्थान में जाके वो संपर्क करें और उनका उपचार करवाएँ। तो इसमें सामान्यतः 10-20% मृत्यु दर है। अभी तक जो है सोलन जिला में 2800 के करीब जो है वो पशु इसमें इससे ग्रसित हुए हैं। इसमें से 619 के करीब केस हमारे रिकवर भी हो चुके हैं और 2159 के करीब जो पशु हैं वो इस समय अफेक्टेड एनिमल्स हैं और 54 पशुओं की आज तक जो है इसमें मृत्यु हो गई है। हमारे दो क्षेत्र हैं जो ज़्यादा प्रभावित हैं, एक तो धर्मपुर ब्लॉक जिसमें काबा, धारगुड़ा, टिकरी, नेरी कलां और जखरोड़ा, नारायणी, ये जो गांव हैं इनमें ये काफ़ी प्रचंड रूप में ये बीमारी फैली हुई है। इसके अतिरिक्त सबसे पहले भी हमारे ज़िले में यहीं पे बीमारी आई, इसके बाद नालागढ़ का क्षेत्र ग्रसित हुआ है, नालागढ़ और बद्दी का, इवन जोगों वगैरह भी जो पूरा ही BBN क्षेत्र है उसमें ये बीमारी काफ़ी पशुओं में है। और कल जो है कुछ पशु सोलन के एडजॉइनिंग एरिया जो धरोट है, लहोग है और हमारा ये शमलेच वगैरह है, यहाँ पे भी कुछ पशु इससे ग्रसित हुए हैं। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट।